आम आदमी पार्टी एक अरसे से पंजाब में पैठ बनाने की कोशिश में है। इस बार भी विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल पंजाब में सत्ता हासिल करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। केजरीवाल ने चुनाव अभियान भी जोर शोर से शुरू कर दिया है, लेकिन चुनाव अभियान के बीच आपकी मुश्किलें बढ़ गई है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जारी चुनावी अभियान के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल प्रचार के जोश में अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि कोरोना के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने क्या नियम बनाए हैं। आयोग ने नियम बनाया है कि घर घर प्रचार के लिए 5 से अधिक लोग नहीं जा सकते। अब भारत निर्वाचन आयोग ने आपको आदर्श आचार संहिता का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने ये नोटिस घर घर प्रचार के लिए 5 से अधिक समूहों में लोगों के शामिल होने को लेकर जारी किया है। वहीं पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने भी कथित MCC उल्लंघन के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में मोहाली के खरड़ सब डिवीजन में घर घर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें पंजाब के लिए पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया। आपकी राज्य इकाई के प्रमुख भगवंत मान के साथ केजरीवाल ने लोगों को अपनी पार्टी की योजनाओं और वादों के बारे में पर्चे बांटे, जिसमें उनसे पंजाब की शांति और समृद्धि बहाल करने और राज्य में सद्भाव और भाईचारा स्थापित करने के लिए अपनी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया। लेकिन इस प्रचार के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में खरड़ रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर कम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब मांगते हुए कहा कि निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देने पर पोल पैनल द्वारा कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को बढ़ते COVID-19 के मामलों का हवाला देते हुए 5 चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और कॉर्नर मीटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था और कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए थे। DB Live की रिपोर्ट।